मेरा नाम विवेक गौम्बर है। मैंने ये फिल्म कोर्ट प्रोड्यूस की है और इसमें आपके किरदार की बात करें, किस हाँ तरह जी का? जी फिल्म का नाम है कोर्ट। ये इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था वेनिस 2014 में सितंबर 4 को। उसके बाद सितंबर 6 को इसको दो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले वेनिस में, लाइन ऑफ द फ्यूचर और बेस्ट फिल्म ऑरिजोंटी कॉम्पिटिशन में। और उसके बाद फिल्म आज तक 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है और पिछले हफ्ते इसको नेशनल अवार्ड की भी मिला है एज़ फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया इन ऑल लैंग्वेजेस। और फिल्म में मैं एक लॉयर का रोल प्ले कर रहा हूँ। लॉयर का नाम है विनय वोरा। वो एक गुजराती मानस है जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं नारायण कामरे, जो एक लोक शायर हैं, उनका केस लड़ रहा है और डिफेंस लॉयर का पार्ट प्ले कर रहा अगर बात करें स्टोरी, एक लाइन में बात करें, किस तरह है। की स्टोरी है जो इसमें एक लाइन में बता सकते अगर एक लाइन में बताएं तो ये एक 65 साल का लोक शायर है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि काम करने वाला एक मजदूर है जिसकी सुसाइड हो गई है। और उसके ये जो लोक शायर है ये अपने गाने में कुछ लाइनें गाते हैं और उस एक गाने में उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक यही चारा रह गया है कि जिस गटर में जाके हम सब साफ करते हैं कचरा, उसी गटर में जाके डूब जाने के लिए। अब इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ये गाना सुन के एक मैनहोल वर्कर जो स्वेज में काम करते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और पुलिस का ये मानना है कि इस गाने की वजह से ये हुआ है, तो उनके ऊपर एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा दिया जाता है। और इसी तरह फिर ये केस लोअर कोर्ट्स मुंबई में जाता है और थ्रू द केस हम जो जज है, जो लॉयर्स है, उनकी पर्सनल लाइफ्स में भी जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। सर? ये अपने आप संगीत से हटके काफी स्टोरी है, इस तरह की बहुत ही कम फिल्में आई हैं, और कितनी खुशी है अवार्ड मिलकर। अवार्ड मिल के बहुत खुशी है। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत सरप्राइज हैं कि इतना बड़ा अवार्ड मिला। एक दो तीन नहीं, 18 इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए, लेकिन नेशनल अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है और हमें तो बहुत खुशी है। और हम सोच रहे हैं कि इस अवार्ड के थ्रू जो स्पॉटलाइट फिल्म पे आएगी उसकी मदद होगी हमें। अभी 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है इंडिया में नेशन वाइड, तो बस यही चाहेंगे कि लोग फिल्म के बारे में और जानें और आके देखें और सपोर्ट करें। सर, सभी के लिए मील का पत्थर है, हीरो हीरोइन आपके लिए कितना बड़ी बात करें सर। हमारे फिल्म में एक्चुअली बम्बई ही फिल्म का हीरो है और कोर्ट और जो सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं वो है हीरो, और जो फिल्म की कहानी है मैं सोचता हूँ वो हीरो है। और बाकी हमारी फिल्म में बहुत ऐसे अननोन फेसेस भी हैं, बहुत नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हमने यूज़ किए हैं। कास्टिंग प्रोसेस फिल्म का 8 महीने लगा है, हमने ओवर 1800 लोगों का डेटाबेस इकट्ठा किया है। तो हाँ, मतलब टिपिकल हिंदी सिनेमा नहीं है और अलग है फिल्म। कास्टिंग की अगर बात करें, कौन कौन है? कास्टिंग की बात करें तो बहुत लोग हैं, मेरे को लगता नहीं आपको पता होगा उनका नाम। गीतांजलि कुलकर्णी हैं जो काफ़ी टाइम से थिएटर कर रही हैं, ट्रेंड एक्टर हैं। वीरा साथीदार हैं जिनकी ये पहली फिल्म है, वो एक पब्लिशर हैं, नागपुर में रहते हैं, ये उनकी पहली फिल्म है। प्रदीप जोशी जी हैं, ये उनकी भी पहली फिल्म है। इस तरह तो मतलब ये कहेंगे सभी कि एक अननोन लोग लॉटरी लग हैं। गई है, हाँ एक लॉटरी लग गई है। हाँ आई गेस किसी तरह से कह सकते हैं कि लॉटरी लग गई है। बट ये देखिए, जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आएगी, रिलीज होगी, पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, मैं उस पे ही सोच के बता पाऊंगा कि क्या हुआ और कैसी लॉटरी लगी है। बट जिस तरह से अवार्ड्स मिले हैं और जो सम्मान अभी फिल्म को ऑलरेडी मिल चुका है नेशनली एंड इंटरनेशनली, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। और इस तरह की मदद से होपफुली फिल्म पे अच्छी स्पॉटलाइट आएगी और लोग जाके देखेंगे। और फिल्म बहुत फनी है, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फिल्म अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं या फेस्टिवल्स में गई है तो लोग सोचते हैं बड़ी धीरे होगी, बड़ी स्लो होगी। फिल्म बिल्कुल ऐसी नहीं है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में भी फोकस किया गया है, जैसे घड़ी चोरी का केस या कोई स्लीवलेस टॉप पहन के आया तो वो नहीं आ सकता। इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं फिल्म में जो मैं सोचता हूँ बहुत फनी है एंड इट्स अ सैटायर। सो वील सी कि ऑडियंस को कैसे लगती है। कभी आपने सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेगी मूवी, क्योंकि आजकल पब्लिक एक्सेप्ट करेगी ऐसी चीजों को? हाँ जी देखिए इतना तो नहीं सोचा था कि कुछ होगा। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फिल्म कभी रिलीज़ हो भी पाएगी, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं इसे। और जिस तरह का रिस्पांस फिल्म को मिला है और जिस तरह से फिल्म अपने आप बड़ी बन गई है एक हिसाब से फेस्टिवल सर्किट्स में जाके, तो वो बड़ा पॉजिटिव लगा है। लेकिन
हाँ, पहले उम्मीद नहीं थी कि ये इस मकार इस मोमेंट तक हम पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म पैसे से नहीं बनती, स्टोरी अच्छी हो तो? हाँ, नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें कंटेंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और एक नहीं, आप काम कंप्लीट करेंगे और मैं आपके साथ मिलूंगी। सीधे करके टकरों से मत लेना। गीता मुझे अगर बात करें, फिल्म को अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारी फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और उसी के 2 हफ्ते पहले हमें नेशनल अवार्ड मिला और जो बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, तो ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये फिल्म देखें। आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है आपका? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की का रोल कर रही हूँ, यानी सरकारी वकील हूँ। जो केस हैं, जो जो फा केस फाइल हुआ है जो फोक सिंगर है उसके अगेंस्ट, तो वो सरकार को रिप्रेजेंट करती हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक महिला है जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है और नौकरी भी करती है, तो इस क्लास को रिप्रेजेंट करती हूँ। आपके किरदार की बात करें, कितनी तैयारी की थी आपने किरदार के लिए, कोर्ट के हर चीज, कोर्ट कुछ भी चीजें हैं तो उसके लिए एक आर्टिस्ट कुछ तैयारियां करता है। हाँ, बहुत तैयारी की हमने, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, काफ़ी सारे लीगल मटेरियल्स पढ़े, कोर्ट सेशंस अटेंड किए। मैंने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉलो किया, दिंडोशी कोर्ट, टाउन का जो सेशन कोर्ट है, शिवडी का जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो हर जगह जाके कोर्ट सेशंस देखे, लीगल मटेरियल जो है वो पढ़ा, क्योंकि एक्ट क्या है, लॉ क्या है, जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कभी मैं कोर्ट गई नहीं थी इससे पहले, तो काफ़ी ज़रूरत थी एज एन एक्टर प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि ये फिल्म रियल जोन की है, ना कि जो हम जनरली हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि मिलॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ, गीता की कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं था, तो ज़्यादा ज़रूरत थी काम करने की। ये फिल्म सबके लिए मील का पत्थर हुई, आपको लेकर और भी काफी सारे लोग हैं, कुछ डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म है, आपकी भी बॉलीवुड में डेब्यू कह सकते हैं, मराठी फिल्में हैं काफी सारी, प्ले वगैरह, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी फिल्म है क्योंकि एक एक इंडिपेंडेंट फिल्म का जो जज्बा होता है वो सब में है और सबने जी जान से कोशिश की है कुछ अलग करने की, बहुत विश्वास से कुछ चीज़ें की है, तो आई जस्ट होप कि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले क्योंकि 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अलग अलग कहानियाँ बताना चाहते हैं, ऐसे ऐसे किरदार पर्दे पे लाना चाहते हैं, उनको हौसला मिलेगा, उनको विश्वास होगा कि ये कहानी लोग सुनते हैं, देखते हैं। कैसी केमिस्ट्री रही है जब बात करें साथ में, जो दूसरे वकील, दो वकीलों की लड़ाई नहीं कह सकते इसमें, कसमकस है। हाँ, बिल्कुल। बहुत विवेक खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनको देखकर और कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ कि हमें काम करना है एक साथ। हमारी पूरी टीम जो थी वो नॉन एक्टर्स, नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स की टीम थी, तो नॉन एक्टर्स और नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स से भी बहुत सीखने को मिला एज एन एक्टर। उनकी जो सहजता होती है, उनका जो उनकी जो एनर्जी होती है, उससे बहुत सीखने को मिला। और एज अ ग्रुप, एज एन ऑन्सम्बल, हम लोग एक एक कोशिश कर रहे थे कि कुछ अलग करें, इट वॉज नॉट अ कमर्शियल वेंचर फॉर अस, तो बहुत उसके कारण बहुत मज़ा आया काम करते हुए। और एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे एक अलग एक्सपीरियंस आया और उसके वजह से लगा कि हमने कुछ सीखा इस प्रोसेस के दरमियान। कोई ऐसा फिल्म का वाक्य बताएंगे जब आपको लगा हो, कोई शेयर करना चाहेंगे दर्शक के साथ? एक उषा बने करके महिला हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल निभाया है इसमें। उनको उनके साथ जब मैं सीन कर रही थी और उनकी सहजता देखकर और उनका कॉन्फिडेंस देखकर, आई वाज सरप्राइज, हैप्पीली सरप्राइज्ड, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो कोर था वो बहुत स्ट्रांग था, उनकी जो स्ट्रेंथ थी एज अ ह्यूमन बींग वो बहुत ही अमेजिंग थी। आपके साथ अगर कंपेयर अतुल जी की अगर बात करें, हाँ, अतुल जी की बात करें, अतुल जी की चांदनी बार काफी मील का पत्थर और काफी हिट फिल्म रही है कि उसके गिनी चुनी फिल्मों में नाम दिया जाता है, हाँ तो कितने इंस्पायर है उस फिल्म से आप अगर बात करें, इस फिल्म को लेकर, ये भी एक
हाँ लीड से हटके फिल्म में कोई हीरो हीरोइन नहीं है इसमें भी? अतुल से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैंने हमेशा अतुल से बहुत सीखा है. वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे सीनियर थे. एज एन एक्टर उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो टेम्परमेंट है, जिस तरह से वो रोल के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से फिल्में सिलेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो हमेशा मैंने उनसे सीखा है. और मुझे लगता है इसी वजह से मैं ये फिल्म सिलेक्ट कर पाई क्योंकि मैंने उन्हें देखा था उनके. मुफ्त में जाएगा ये सारा अच्छा ऑल चैनल्स बढ़िया है. एजेंसी है बड़ी काफी. कानपुर, जयपुर, जबलपुर एंड आपका नाम? मेरा नाम चैतन्य तामाणे है. मैं कोर्ट इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ. सर बात करें किस तरह की फिल्म है, आपको अवार्ड मिला इस फिल्म में, नेशनल अवार्ड? एक्चुअली कोर्ट ये जो है, जो आप बाकी कोर्टरूम ड्रामास देखते हैं उससे थोड़ी अलग है. हम जनरली देखते हैं कि जज साहब और मिलोर्ड और ऐसी टाइप की बड़ी ड्रामेटिक फिल्में होती है. हमारी फिल्म एक लोअर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में सेट है, और इसमें बिल्कुल ही जो रोज मंगला की जो बातें होती है कोर्ट में उसके ऊपर ये फिल्म है. कि जज थोड़ा सा बोर्ड है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खोए हुए हैं, कुछ विटनेसेस टाइम पे आए नहीं हुए हैं, ऐसे प्रकार की फिल्में. और इसमें जो लॉयर्स है और जो जज है, हम इनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं और देखते हैं कि ये कोर्ट के बाहर कैसे है, ये संडे को क्या करते हैं, इनका पर्सनल पॉलिटिक्स कैसा है, और उसका जो वो कोर्ट में आके जो दूसरों के लाइफ एंड डेथ पे जो जजमेंट्स पास करते हैं या दूसरों के ज़िंदगी का फैसला करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ का उस पर क्या इफेक्ट होता है और क्या फ़र्क होता है, वो हम इस फिल्म के द्वारा एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली. ये फिल्म की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होकर आपने बनाई, कि दिमाग में आया कहीं आपने बिल्कुल बिल्कुल. इस फिल्म की स्टोरी ये है कि एक प्रोटेस्ट सिंगर है 65 साल का, जो समाज में जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध गाने गाता है. एक कल्चरल एक्टिविस्ट है, उसे अरेस्ट किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आपका एक गाना सुन के एक गटर साफ करने वाले ने आत्महत्या कर दी, क्योंकि आपने ऐसा गाना गाया कि जिनका गटर हम दिन रात साफ करते हैं उसी गटर में हमको डूब के मर जाना चाहिए, अब हमारे पास और कोई डिग्निफाइड ऑप्शन नहीं बचा है. और इस केस को हम एक सेशंस कोर्ट में देखते हैं कि कैसे ये केस अनफोल्ड होती है. इसका इंस्पिरेशन मुझे आया था, एक केस थी जितेन मारंडी करके कल्चरल एक्टिविस्ट है झारखंड के, उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसाया गया था. एक और सस्पेक्ट थे जिनका नाम था जितेन मारंडी, वो नहीं मिले तो इस जितेन मारंडी को अरेस्ट किया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई. और उसके बाद बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लॉयर्स ने पेटिशंस फाइल की और प्रेसिडेंट को अपील किया कि ये गलत है और इसे रोकना चाहिए और हम एक निर्दोष इंसान को फांसी पे नहीं चढ़ा सकते. तो उस केस से, विनायक सेन के केस से, कबीर कला मंच के केस से, मुझे ऐसी बहुत सारी अलग अलग केसेस से इस केस के लिए इंस्पिरेशन मिली बेसिकली. आपको क्या लगता है, कभी एक बार जहन में आया कि फिल्म बनाएंगे, फ्लॉप हो सकती है, कि इस तरह की स्टोरी शाहरुख सलमान या फिर बड़े स्टार को देखते हैं लोग? नहीं बिल्कुल, ऐसी फिल्म बनाने के लिए और ऐसी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आप में बहुत एक अलग प्रकार का आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर नहीं चलती है या थिएट्रिकल रिलीज तक पहुंचती नहीं है. तो कहीं पे एक डर तो आपको रहता ही है कि बिना स्टार्स की फिल्म, बिना किसी बड़े स्टूडियो के बैकिंग की फिल्म हम कैसे बनाए. इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा ये थी कि हम पहले किसी बड़े ए लिस्ट फेस्टिवल में प्रेमियर करेंगे, वहाँ पे नाम कमाएंगे, फिर इंडिया में आएंगे तो लोग आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे. और वैसा ही हुआ, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म प्रेमियर हुई और 2 बड़े अवार्ड्स मिले, उसके बाद और 16 अवार्ड्स हमें मिले, और अब 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड के बाद क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसीलिए हमारे को मीडिया का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, क्यूरियोसिटी है, और हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक्चुअली क्या कैसे परफॉर्म करती है. क्या प्रक्रिया होती है, बात करें किस तरह से ये नॉमिनेशन की बात करें, वहाँ पर जो बात करें विनर पर, यहाँ रिलीज हो रही है अभी, हाँ जी, क्या पब्लिक नेशनल अवार्ड मूवी को देख कर पहुँचती है सिनेमा घर तक, किस नहीं तरह पहला एक्चुअली सवाल है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल. और एक्चुअली ऐसी एक लोगों की एक ऐसी समझ होती है कि अगर अच्छा अवार्ड मिला है या फेस्टिवल में गई है तो बहुत ही बोरिंग किस्म की फिल्म होगी या बहुत ही स्लो किस्म की फिल्म होगी जिसमें 20 मिनट तक बस एक मक्खी उड़ रही है स्क्रीन पर. तो बिल्कुल वैसी फिल्म नहीं है, और इसीलिए हमने बहुत जोर दिया कि हमारे जो पोस्टर्स है या हमारा जो ट्रेलर है उससे लोगों को एक आइडिया लगे.
ये बिल्कुल ही एक एक्सेसिबल और बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है. इसमें बहुत सारा ह्यूमर है, इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं व्यंग है और सैटायरिकल एलिमेंट्स है इस फिल्म के अंदर. और जितने भी ऑलरेडी हमें बहुत सारे अच्छे इंडियन रिव्यूज़ भी मिल चुके हैं, हमने सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से यूज़ किया है लोगों तक इस फिल्म को पहुँचाने के लिए. तो इन रीजंस की वजह से, इस ट्रेलर की वजह से, इस बस के वजह से, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से शायद लोग इस फिल्म को देखने आएंगे. और ये देखने आएंगे कि क्या है इस फिल्म में ऐसा कि इसको इतने सारे अवार्ड्स मिले, ऐसी हमारी इच्छा है. तो हम देखेंगे कुछ ही दिनों में, 17 अप्रैल को रिलीज है, कि क्या एक्चुअली होता है फिल्म के साथ. ये कैरियर आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है. आप बिल्कुल इतनी कम उम्र में ही नेशनल अवार्ड मिलना, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी लॉटरी लग गई है, क्योंकि पहली फिल्म है मेरी भी और विवेक की भी एज अ प्रोड्यूसर. और गीतांजलि की भी डेब्यू है इसमें. गीतांजलि ने इसके पहले कुछ कैमियोज किए, लेकिन ये उसकी पहली बड़ी फिल्म है. और पहली फिल्म को इतनी आपको सपोर्ट मिलना, इतना लोगों ने उसको सराहना, ये हमारे लिए मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. इट्स वी आर हैविंग अ ड्रीम रन विद दिस फिल्म. पासवर्ड क्लोज नहीं है, थोड़ा सा पोस्टर से लेना. क्लोज मारती नो के क्लोज.